हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या है और इनका यूज किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। तो आर्टिकल्स को हम ग्रामर में एज डिटरमिनर्स कहते हैं, इनको डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा है अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, इनमें एडजेक्टिव्स की भी क्वालिटी पाई जाती है। वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक नाउन इज नीड द एंड जनरल नाउन इज यूज अ और एन। तो आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो हम यूज करते हैं जब भी कोई नाउन होगा तो उसके सामने हम उसको रखते हैं। हमारे पास दो तरीके के जो आर्टिकल्स है, एक ये है जिसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है यहां पे देखिए, डेफिनेट आर्टिकल रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। तो जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल जो होते हैं एक्चुअली ये दिखाते हैं कोई चीज, कोई नाउन जो है क्या ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, क्या ये कोई हम किसी जनरल चीज की बात कर रहे हैं, एक नाउन की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक, किसी खास, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो तो आपके सामने वहां पे द जो होगा वो यूज होता है, ये आर्टिकल यूज होता है। और अगर आप किसी जनरल चीज की बात कर रहे हो, कॉमन थिंग की बात कर रहे हो, किसी कॉमन नाउन की बात कर रहे हो तो उसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल रेफर्स टू समथिंग जनरल, अ ऑब्लिक एन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल में कौन आता है, द, उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दो आते हैं, ए और एन, जो कि हम किसी जनरल या कॉमन नाउन के साथ यूज करते हैं। ए एन और द कहां पे यूज करना होता है, चलिए हम यहां पे देखते हैं। पहले हम बात करते हैं ये जो दो है ए और एन, जिनको आप कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये क्यों इनडेफिनेट है, पहले हम बात कर चुके हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट जनरल थिंग्स, दे ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन नाउन्स। अब यहां पे ए और एन जो है इनके अलग अलग यूज है। पहले हम बेटा ए की बात करेंगे कि ए कहां पे यूज होता है। देखिए बेटा यहां पे मैंने लिखा है ए हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है और एन भी हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, ये आप जहन में रखेंगे। जब भी नाउन होगा लेकिन वो सिंगुलर जब होगा तभी ए और एन आएगा, अगर प्लूरल होगा आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के सामने हम लगाते हैं। अब यहां पे ए कहां पे लगता है बेटा, जब हम कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड देखते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पे आपको यूज करना है ए। एग्जांपल यहां पे बेटा हमारे पास है, जैसे है ए बुक, ए स्कूल, ए हाउस एक्स्ट्रा। तो ऐसे बिल्कुल हजारों वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं और सिंगुलर होते हैं, तो हमें उनके सामने जरूरी एक आर्टिकल लगाना होता है। अगर वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हमें ए लगाना होगा, जैसे आप यहां देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने कहा है वो है वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, तो वहां पे आपको ए लगाना होता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा वर्ड वहां पे ए लगना है। एन कहां पे लगाते हैं, ये भी सिंगुलर नाउन के सामने लगता है लेकिन स्टार्टिंग विद वोवल साउंड। जब भी कोई वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होगा, वोवल साउंड की मैं बात कर रहा हूं बेटा, वोवल्स की नहीं बात कर रहा हूं, वोवल साउंड से जो कि ए आई ओ यू है, उनसे जब कोई वर्ड स्टार्ट होगा बेटा तो उसको हमें सामने लगाना है एन। जब जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत से हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स हैं जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं और हम वहां पे एन लगाते हैं। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। तो ए कहां पे लगना है बेटा, जहां पे कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। एन कहां पे लगना है बेटा, जहां पे वोवल साउंड से वर्ड स्टार्ट होता है। अब आती है बारी एक्सेप्शंस की, यहां जहां पे थोड़ा रूल हमें जहन में रखना है और जहां पे थोड़ा सा हमें थोड़ा एक्टिवली थोड़ा इसको समझना है बेटा। कहीं कहीं पे आप देखोगे, जैसे आपको पता है वोवल्स क्या है, ए ई आर ओ यू। अगर कोई बच्चा ये देखेगा कि ये वोवल जो है ये हमेशा इनकी साउंड हमेशा एक जैसी निकलती है तो वो गलत है बेटा। यहां पे देखिए एक्सेप्शन जो है, यहां पे लिखा है मैंने ए यूनियन, यहां पे सामने क्या है यू, लेकिन यू की साउंड यहां पे वाई की निकलती है, कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है। जब यू की एक वोवल साउंड निकलती है वो आ निकलते हैं, जैसे हम कहते हैं
एंड अम्ब्रेला, तो अ साउंड निकलता है यू की एज ए वोवल, लेकिन यहां पे इन तीनों वर्ड्स में, यहां दोनों वर्ड्स में आप देखिए यू की साउंड वाई की निकलती है, य की निकलती है, जो एक हमें कंसोनेंट हम तस्वर करते हैं, जिसको हम एक कंसोनेंट साउंड यहां पे लेते हैं। सो यहां पे देखेंगे ए यूनियन, तो यहां पे अगर हम इसको पढ़ते ए ऑनियन तो वो होता, लेकिन इसको यूनियन पढ़ा जाता है इंग्लिश में, इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूनियन, तो हमें लिखना है ए यूनियन। हालांकि यहां पे यू जो है ये वॉवल है, लेकिन हमने क्या कहा, साउंड की बात आ रही है, जब भी कंसोनेंट साउंड निकलेगी तो ये यू है, यहां पे वॉवल है ये, बट इसकी साउंड बेटा किसकी निकलती है, कंसोनेंट साउंड निकलती है, वाई की साउंड निकलती है, इसलिए हम लिखते हैं ए यूनियन, एन यूनियन नहीं लिखते हैं। यूनिवर्सिटी, यहां पे भी दोबारा कंसोनेंट साउंड निकलती है बेटा, इसलिए यूनिवर्सिटी। इसके बाद है ई जो है यहां पे हम लिखते हैं ए यूरोपियन, हम बेटा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो ई है ये भी यहां पे साइलेंट है, यहां पे यू से स्टार्ट होता है, व साउंड यू जो है यहां पे वाई की जो निकलते हैं बेटा वो एक कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए हम कहते हैं ए यूरोपियन। यहां पे देखिए बेटा ए वन टाइम चांस, यहां पे ओ जो वॉवल है, लेकिन दोबारा यहां पे कहेंगे, यहां पे जो मान लीजिए डब्ल्यू की एक साउंड निकलती है जो एक कंसोनेंट साउंड है, तो यहां पे भी हम लिखते हैं ए वन टाइम चांस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, जहां पे हमें लगता है दूर से ही कि सामने वॉवल है तो हम शायद एन लिखेंगे, लेकिन बेटा जब आप प्रोनाउंस करते हो इस वर्ड को, पढ़ते हो, तो हमें पता चलता है नहीं, वहां पे पहली साउंड जो निकलती है वो कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए ए लगाना पड़ता है, इसलिए एक्सेप्शंस है। इसी तरीके थोड़ी सी मैं लिखे वी हैव मोर सच एक्सेप्शंस, तो ये आप ज़हन में रखेंगे। क्या यहां पे इस वाले में है कुछ जहां पे एक्सेप्शंस है, जहां पे एन लगता है? हां बेटा, यहां पे देखिए एक्रोनियम्स कुछ है, एक्रोनियम्स जिसको आप बढ़ा के फिर कह सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, जैसे हमारे पास है एक्रोनियम, हम लिखते हैं एन एस एस पी, दूसरा है एन एल सी डी, इसी तरह हमारे पास बहुत से ऐसे एक्रोनियम्स हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे हमें लगता है सामने जो है एस जो है ये कंसोनेंट है, यहाँ एल जो है ये कंसोनेंट है, लेकिन बेटा जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, तो इसकी साउंड क्या निकलती है, वो एक वोवल साउंड निकलती है, जैसे एन एस एस पी जो कि एप्पल में साउंड निकलती है, वही एस एस पी में या एल सी डी में। तो प्रोनाउंसिएशन के वक्त जो साउंड निकलेगी बेटा, हमें उसी के रूल के उसी आधार पे हमें सामने एन लगाना पड़ता है। तो एसएसपी को पढ़ते हुए प्रोनाउंस करते हुए हमें एक वॉवल साउंड निकल के आती है पहले, तो हम लिखते हैं एनएसएसपी। इसी तरह बेटा जो एलसीडी है, तो हमें प्रोनाउंस करते वक्त क्या निकलता है, एक पहली जो साउंड है वो एक वोवल साउंड है, इसलिए हम कहते हैं एन एल सी डी। तो इसी तरीके से वो है मच मोर सच एग्जांपल्स, तो ये भी बेटा आपको जहन में रखना है। अब आगे चलेंगे हम बेटा डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे जो है द। अब यहां पे हमने लिखा है द हमेशा जो क्या करता है, ये दोनों एर एंड जनरल चीजों को दिखाते हैं, कॉमन चीजों को दिखाते हैं, बट द इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। क्यों भैया? बिकॉज इट शोज अ स्पेसिफिक थिंग, एक स्पेसिफिक नाउन की जब हम बात करेंगे तो यहां पे द यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो एर एंड है बेटा, ये हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं, बट द कहीं पे सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और कहीं पे प्लूलर नाउन्स के साथ भी यूज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलेंगे। सर कहां पे सिंगुलर और कहां पे प्लूलर, पहले यही क्लियर कीजिए। देखिए बेटे, यहां पे पहला जो होता है यूज, जब आपको, जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर मैंने लिखा है द एलिफेंट। अब यहां पे द एलिफेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि मुझे भी, बोलने वाले को भी पता है मैं किस एलिफेंट की बात कर रहा हूं, खास एलिफेंट की, और सुनने वाले को भी ऑलरेडी पता है, तो वहां पे हम कहते हैं द एलिफेंट। मैं एक बंदे को कह रहा हूं, हमने ऑलरेडी उस एलिफेंट का जिक्र किया हुआ था एक दो दिन पहले, उसको भी पता है, मुझे भी पता है हम किस एलिफेंट की बात, मैं उसको कह रहा हूं द एलिफेंट वॉज सोल्ड फॉर ए वेरी ह्यूज अमाउंट, उस हाथी को बहुत महंगे दामों में बेचा गया, तो उसको भी पहले, हमने दो दिन पहले उसको देखा हुआ है, सो वी बोथ न्यू, स्पीकर भी जानता है हम किस एलिफेंट की बात कर रहे हैं, एंड लिसनर ऑल्सो नोज कि किस एलिफेंट की बात हो रही है बेटा। तो वहां पे जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को ऑलरेडी जानते हैं, स्पीकर भी और जो लिसनर है, तो हम वहां पे
कौन सा यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यहां पे देखिए द एलिफेंट, द स्कूल, द हाउस एक्स्ट्रा। तो ऐसे हजारों चीजें हम यूज कर सकते हैं जब पहले ही लिसनर को भी और स्पीकर को पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, इसी तरह प्लूरल भी हो सकता है। द एलिफेंट्स, अगर हम दो चार के बारे में, एक से ज्यादा एलिफेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पहले ही हम जानते हैं किन एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं, द स्कूल, द हाउसेस। तो यहां पे हमें क्लियर हुआ कि जो ये स्पेसिफिक जो द आर्टिकल है जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं बेटा, ये सिंगुलर्स के साथ भी यूज होता है, ये प्लूरल्स के भी साथ यूज होता है। लेकिन ध्यान में रखना बेटा, पहला यूज जहां पहले ही स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां पे स्पेसिफिक बन जाता है। इसके बाद दूसरा जो यूज है इस डेफिनेट आर्टिकल का, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जो भी चीजें अनकाउंटेबल है, जिनको आप मान लीजिए एक तरीके से गिन नहीं सकते, अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे है द इंफॉर्मेशन, द एडवाइस, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, और जैसे वाटर की बात करेंगे, सैंड की बात करेंगे, तो वहां पे हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जैसे द इंफॉर्मेशन, द एडवाइस। वहां पे अगर हम इसको काउंटेबल बना सकते हैं, जैसे द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ एडवाइस, तो वहां पे हम इसको काउंटेबल बनाते हैं। लेकिन अगर हम एज अ होल बात करेंगे बेटा, तो वहां पे दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड हमें यूज करना पड़ता है इनके साथ आर्टिकल द। तो द इंफॉर्मेशन, द एडवाइस, आया समझ में बेटा? आगे चलेंगे। इसी तरह यूनिक नाउन्स, जो यूनिक नाउन्स है जो आमतौर यूनिवर्सल है या सर्टन है, जो बदलते नहीं है, जो बिल्कुल वही के वही जैसे वो है तो वही रह जाएंगे, उन वो चेंज नहीं होते हैं, जो कि यूनिवर्सल है, तो वहां पे देखिए उनको हम यूनिक नाउन्स कहते हैं। द सन, द मून, द हिमालयाज, तो ऐसे जो यूनिवर्सल बॉडीज है उनके साथ भी बेटा हम क्या लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल, वो कौन सा है? द। आगे चलेंगे बेटा सुपरलेटिव्स। जब भी हम सुपर, आपको पता होगा जो एडजेक्टिव्स है कंपेरेटिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हम हमेशा यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे है द बेस्ट, हम कहेंगे ही इज द बेस्ट बॉय इन द स्कूल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। इसके बाद द टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जब भी सुपरलेटिव होगा तो उसके सामने आपको द डेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज करना ही होगा। बेटा इसके बाद है नेशनलिटीज। तो जब आप किसी किसी कौम की बात कर रहे हो, किसी जो जो कोई नेशन होता है उनके लोगों की बात करते हो बेटा, उनके साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, वो होता है द। जैसे हम यहां पे बात करते हैं द ब्रिटिश, तो इसका मतलब है जो बरतानवी लोग हैं। द इंडियन, जो इंडिया में रहते हैं लोग उनको कहते हैं द इंडियन। द चाइनीज, जो चाइनीज लोग हैं उनको कहते हैं द चाइनीज। जैसे हम कह सकते हैं द चाइनीज आर वेरी eager to do innovations in technology or small toys। के लोगों की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे हमें सामने लगाना पड़ता है डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। इसके बाद आगे जाएंगे बेटा, जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्लूरल नेम्स ऑफ नेशंस। तो ऐसे भी हमारे पास कुछ नेशंस है, मुल्क है जो प्लूरल है, जैसे यहां पे है द नेदरलैंड्स, तो इसके सामने भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ता है। हम कहते हैं, हम ये नहीं लिखते हैं नेदरलैंड्स, हम लिखते हैं द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस, द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट यूज आता है सेकंड टाइम। अब ये सवाल आपके ध्यान में आएगा, सर यहां तक तो ठीक था, ये सेकंड टाइम का मसला क्या है? बेटा जब भी हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, तो हमने पहले ही कहा है कि डेफिनेट आर्टिकल जो है द जो है ये स्पेसिफिक चीज दिखाता है, कोई खास प्रॉपर नाउन दिखाता है। अब ये सेकंड टाइम का मसला क्या है बेटा, यहां पे आपको एग्जांपल देके मैं आप समझाऊंगा। देखिए एबी और जो एन है, जो ए और एन है, ये बेटा जब कोई चीज किसी चीज की कॉमन चीज की आप बात करते हैं पहली बार, तो एज पर कॉन्सोनेंट साउंड यहां पे ए लगना है और एज पर वोवल साउंड आपको एन लगाना है। जब आप किसी चीज की, किसी आम चीज की पहली बार बात कर रहे हो, जैसे एग्जांपल है फर्स्ट टाइम हम कह रहे ए मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई हाउस, तो यहां पे मैन है, तो यहां पे म साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने लगाया ए मैन, चलिए ठीक। इसके बाद देखो बेटा यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आई बॉट एन एप्पल, तो एक एप्पल मैंने खरीदा,
एप्पल में पहली साउंड कौन सी है, वॉवल साउंड, तो मैंने लगाया एन एप्पल। पहली बार हम एप्पल का जिक्र कर रहे हैं, यहां पे मैन का जिक्र कर रहे हैं, यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगना है, यहां पे वॉवल साउंड के साथ एन लगना है। लेकिन जब इन्हीं चीजों का आप दोबारा से जिक्र करोगे दूसरे सेंटेंस में, इट इज कॉल्ड सेकेंड टाइम, तो वहां पे बेटा आपको द लगाना है, क्योंकि आप इन कॉमन चीजों को आपने स्पेसिफिक बना दिया, आपने इनको पर्टिकुलर बना दिया। एग्जाम्पल के साथ इस वाले सेंटेंस को हमने लिखा, द मैन वॉज ड्रेस्ड इन ए ब्लैक कोट। यहां पे बेटा देखिए सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है, जैसे आपके एग्जाम में एक पैसेज आता है, एक सेंटेंस में ए लगा हुआ होता है या वहां पे भी फिल इन द ब्लैंक होता है, दूसरी बार भी उसी चीज का जिक्र आता है, लेकिन वहां पे आपको द लगाना पड़ता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो देखिए यहां पे बेटा, अ मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई हाउस, द मैन वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक कोट। अब यहां पे मैन के साथ द क्यों लगा, बिल्कुल ये इसी के साथ ये सेंटेंस यहां पे दूसरा है, क्योंकि इस मैन का पहले बार जिक्र हुआ है तो हमने ए लगाया, अब इसी के मुतलिक बात हो रही है तो हमने यहां पे बेटा द लगाया। इसी को कहते हैं सेकेंड टाइम, यानी एक सेंटेंस आ गया, फिर इसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस आ गया और उसी नाउन के बारे में बात हो रही है तो आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यहां पे देखेंगे हमने पहला सेंटेंस किया था I bought an apple, जहां पे वोवल साउंड थे हमने एन लगाया था। फिर दूसरा सेंटेंस के नीचे हम लिख सकते हैं द एप्पल वॉज सो डेलिशियस, तो हम कह रहे हैं कि भैया मैंने एक एप्पल खरीदा, ये पहली बार एप्पल का जिक्र आ रहा है, फिर उसी एप्पल की बात हो रही है कि वो बहुत ही मीठा था खाने में, हम कह रहे हैं द एप्पल वॉज सो डेलिशियस, अब इसी एप्पल का जिक्र हो रहा है इसीलिए द एप्पल वॉज सो डेलिशियस। तो इसको बेटा कहते हैं सेकेंड टाइम, यानी जब एक थोड़ा सा पैसेज आ रहा है उसी पैसेज में पहली बार उस नाउन का जिक्र आया तो एज पर कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवल साउंड या एन लगना है, लेकिन जब दूसरी बार दूसरे सेंटेंस में उसी चीज का जिक्र आएगा बेटा वहां पे आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिखाया। अब इसके बाद आगे चलेंगे बेटा, जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द जो है वो कहां पे यूज होता है, प्रॉपर नाउन्स के साथ। तो जो दुनिया में कुछ ऐसी प्रॉपर नाउन्स हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ नाम है जिनके साथ हमें द लगाना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं द ताजमहल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बे ऑफ बंगाल, द नाइल, होली बुक्स वगैरह वगैरह। तो इसमें थोड़ा काफी चौड़ा लंबा चौड़ा एक लिस्ट है, तो ये कुछ ऐसी खास प्रॉपर नाउन्स है दुनिया में जो कि सर्टन है, जिनका नाम है, जिनको बिल्कुल जो सबको पता है, तो इनके साथ भी बेटा हम जो है प्रॉपर नाउन, इन प्रॉपर नाउन्स के साथ हम द लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम कहीं पे ऐसा भी यूज करते हैं एडजेक्टिव को जो कि नाउन का काम देता है, तो वहां पे हमें बेटा क्या करना होता है, ये एक इंपॉर्टेंट यूज है डेफिनेट आर्टिकल का, जो द है, जो स्पेसिफिक यूज है इसका। जब भी एक एडजेक्टिव को एक नाउन की तरह आप एक सेंटेंस में यूज करोगे आपको वहां पे डेफिनेट आर्टिकल लगाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जब हम ब्रेव की बात करते हैं ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इस सेंटेंस में ये क्या काम दे रहा है बेटा, ये नाउन का भी काम दे रहा है, तो यहां पे हम ये नहीं लिख सकते फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, यहां पे हम लिखेंगे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, क्योंकि द ब्रेव जो यहां पे दिखा रहा है ये नाउन का काम दे रहा है। तो यहां पे ये बात भी क्लियर होगी, जब भी आप एक एडजेक्टिव को एक नाउन के तौर पर किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको उसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होगा। ये कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट यूजेस है इनके, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। चैनल के साथ बने रहिए, पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।